वजह क्या है? मेरे महबूब फरमाया एक एक करमालिया पुठी पसली चुए ना, इन है कि नहीं ना। तो मेरे महबूब फरमाया कड़ाका ना कटिया है, क्यों निजाम चलाया है? मुड़ सारे सुनियो सी अबू हसन खरकानी दी है? नहीं सुनी हुई इन्हें ना पचाओ भाई। उस अबू हसन खरकानी नू बंदा मिलन आया, तो मिल के उसने पता पूछा आता पूछा, तो घर जाके जोजा मुहतरमा दरवाजे ते आईया, उन्हें आख्या मैं अबू हसन खरकानी इतना उच्चा वली सुनया जिनू बायजीद बुस्तामी की मिजार तो भी लाया, इतना कुछ मिलया। तो उसने चोन ढाडी शिकायत की, एडे वड्डी वली दी बीवी चंगी पा पड़ोपी शिकायत की, हटे उन्हें आख्या सदबू ना सुनदा से भाई इतने गल जीरो है। हटे वेंद्यान वेख्या भाई एक बंदा ही जरा शेर ते लकड़ी लद्दी आमदा बड़े ढौर नाल भी आमदा, उसके ई केड़ा इन्हें मिल वेखीए। जो मिले तो मिलन तो बाद पूछे साईं तारो फरमाया फकीर नू अबू हसन खरकानी आ देना। उस आख्या सोना घर तो तुहाडे, उस आख्या पट्ठा बैठा भी है उत्थे, तो इतनी शिकायत मसूल हो। फरमाया बस उस शेर दियाँ सुनदा रहीं तो पचाईंदा रहीं। अल्लाह ये शेर ताबे च भाई हवेली तो अंदर हुकूमत ओदी डाडी आउंदी है, वजह क्या? जदों रुसण आवे तो बालों की तरबीयत आउंदी, मां दे नाल टोर पाउंदे ना। मुड़ मर्द शोमी किस्मत अदालत भी आती है, पोत्र मां दे तुसां खर्चा दिती रखो गल है कि नहीं? तो मजबूरी है कि नहीं? उन्होंने करम वाली डाडी सपोर्ट है, इतने ना सुनी अगर तो सुनी दी है, सुनी दी है ना। ते काश के तरबियत कमाल दी होंदी, ओ घर दा शेर पुत्रां दी तरबियत करिया कि मेरी जन्नत तुहाडे प्यो दे पैरां थले, तुहाडी जन्नत मेरे पैरां थले, ना आपनी जन्नत वंजाओ ना मैं जन्नत वंजावण दी। इंजे ना भाई तुसी मेरे हलाली बनया है, मेरे दुध दी तासीर रख्या है, बेशरम ना बनया है। जे मैं तुहाडी तरबियत अच्छी कीती तो मैं उस दी ओ खिदमत कर रही हाँ कि अल्लाह बिला हिसाब मैं जन्नत देसी। हुण इन्हां नूं नहीं मालूम आउंदा जिवें मरो दो दखल ही वधा भाई जन्नत ओहदे पैरां थले, जन्नत बीवी दी जन्नत उस दे शोहरां दे पैरां थले, खिदमत थले, तुहानूं मालूम आउंदा दो दखल ही वधा। करमालिया तो जन्नत लैनी है, जदों आवे थकोया शामी उसनूं कुछ मुठ मरोड़ा करके अपनी जन्नत लै लई। तो घर दे बर्तन ठैक पवे लड़ पवे भिड़ पवे बर्तन च हो वैंदी है, मियाँ बीवी के अंदर चपकलाश नहीं होंदी होंदी है, तो उन्होंने बर्दाश्त करना चाहिए या पेकियां नूं फोन करना चाहिए? सब तो वड्डा जुलम तो जिहड़ा नाल फोन आउंदा है, यह सब तो बड़ा जुलम है। मियाँ बीवी गर्म सरद हो जो मर्द खुशहाल चार फरूट ले आया, दो चार माल्टे दो चार सेब, तो करम वाली ने आख्या मैं तो हासे तो लड़ना वे ना बीबी तू प्यार चोखा करे नहीं है, तो कावड़ लाए पमसी। तो जो फोन तू सो कावड़ लाद तो पेके मोटरसाइकिल चढ़ा के घर पड़वाइंदे, तो मतलब बीवी ने फोन गल ठीक है या गलत? बीवी ने फोन नहीं देना चाहिए। मावा जी नहीं रख लवे हे तो मैं खैर मेयर पूछनी, अम्मा एडा खैर मियर का शौक ही आ वनी हफ्ते बाद मेरे महबूब की शरीयत प्यो फौत हो गया, तो जी ने आख्या मूँह वेखा। आखिरी गल इजाजत बिरादरान का हुक्म, आखिरी गल मेरे महबूब के दरबार आख्या फौत हो गया मूँह वेखा, घर आले मेरी इजाजत कोई ना दिती, तो मोहम्मद रबी ने आख्या ना वेखी मूँह कहता अबे दा ही ना। इस वड्डा कोई एजाज आखिरी मुलाकात इस वड्डी होर कोई है गल? खैर हुक्म आ गया सोने दा पिछे हट के पै रहे, प्यो दी तदफीन हो गई, शायद के ताजिया दे त्रै दिन भी मुकम्मल हो गया। पिछे तिजारत तो शहर आया तो उसने आख्या तू कोई ना हो अब्बा फौत हो गया ही, तो मैं दरबारे रिसालत च पैगाम भेजा ही ते ना हो गई आ, जो होवे हाँ ते वन्या, जो होवे हाँ ते वन्या। तो फिर उस आख्या जिदू ना हो उदू हो कि नहीं वन्या है, है? जिदू यानी रसूल ने जुम्मा ना फरमाया उदू हो कि नहीं वन्या है, तो मेरे महबूब दे बारगाह च आए मेरे महबूब फरमाया बेटी इस सिला नाल तेरे गुनेगार, तेरे गुनेगार वालिद नूं रब ने बख्श छोड़िया है। सुभान अल्लाह, तू शोहर की इजाजत तो बगैर दरवाजे तो बहर नहीं निकली, उसनों इतना अमल पसंद आया है
कि ये तो कच दी शीशियां इतने नरम दिल आलियां हजूर दे सने ते बह गईयां ते मेरे रब्बे करीम फरमाया फरिश्तों गवाह हो जाओ मैं ये अमल वेख के उससे भी राजी हो गया। यार जे धी परदे च रहते अब्बा बख्शींदा है, धी परदे च बह के मुंह ना वेखे अब्बा बख्शींदा है, ते जदों दी इतनी शर्मो हयाल योई शोहर भी बख्शी सी, औलाद भी बख्शी सी, भाई भी बख्शी सन, वालिदैन भी बख्शी सन, अमल करना चाहिए कि नहीं। तो फिर ए मावां नूं इहो सोचना चाहिए असीं इहो जिहा पुत्तर जमीए जो कम अज कम इल्मो दीन शहीद जैसी सोच वाला तो हो ही सही।